रोटी तो नहीं खाई होगी? नहीं जी, दलिया खिचड़ी दाल वगैरह? खिचड़ी दलिया सूप लेती हूँ। अच्छा अच्छा, कभी तोरी का कभी टमाटर का ये ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा, दूध भी ले लेती हूँ, लस्सी ले लेती हूँ। अच्छा, मेरा दिखाना पाउच। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप शुरू कर दो खाने के लिए, जो भी दिल करता है। अच्छा। सेब, केला, सब्जी, रोटी। अच्छा। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाया जाएगा क्योंकि ज्यादा अंदर तो अभी नहीं खाया जाता है। खिचड़ी खाती हूँ, एक कटोरी से ऊपर नहीं खा सकती, छोटी सी वो भी। एक कटोरी खा लेते हो बस, बहुत है। हाँ जी। तो जब पेट भर गया वहाँ रुक जाना है। हाँ जी। थोड़े पहले रोटी चूर के खा के देखो, दाल में अच्छा। आधी रोटी चूर लो, धीरे धीरे खाना, तेजी नहीं कर, तेजी करोगे तो फिर उल्टी आ सकती है। आप आराम से खाओ, आपको तो कोई उल्टी नहीं आई अभी तक ना, नहीं जी, और बस आने भी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं पी सकती डॉक्टर बिल्कुल भी। हाँ, पानी जो फोका पानी है ना वो नहीं अच्छा लगता वो उसको अभी। वो यहाँ लगता हाँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन लस्सी पियो, सूप ले लो, जूस पी सकते हो। ठीक है, ये चीजें, चाय डाइजेस्ट हो जाएगी बेटर, चाय या भी पानी में फिर नमक डाल लो थोड़ा, ठीक है। वो चाय भी तो मैं डाइजेस्ट हो दो पेरी जाता लेती हूँ, एक सुबह एक शाम को। है। अच्छा, यहाँ भी तो लेती कितना हूँ। वजन कितना कम हुआ है इस हफ्ते में? 3 किलो। 3 किलो, नहीं ठीक है। अभी तो यही 7-8 दिन ही हुए ना सर्जरी को, तो इसमें भी आपको देखो, सेकंड डे से हमने ये शुरू कर दिया, दलिया खिचड़ी वगैरह खा सकते हो। जो पुरानी टेक्निक्स होती थी उसमें तो 1.5 महीना पहले बिल्कुल पुनकी देते थे, तो अगर आप एक कटोरी भी खा रहे हो वो भी बहुत, मतलब बढ़िया बात है। इतनी सी खा चाहे लेती हूँ। छोटी खा रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, हाँ तो जी। एक हफ्ते बाद हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि सॉलिड भी खा सकते हो आप। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से धीरे से चबा के ठीक है जी। थोड़ा खा के देखो, पेट भर गया वहां पे रुक जाओ। ठीक ठीक है। है।